नशे के विरुद्ध चंपावत में लगातार पुलिस द्वारा ऑपरेशन जारी है। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर चंपावत जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत गुरुवार की देर शाम थाना कोतवाली पंचेश्वर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान टमटकांडे गांव में मनोज कुमार की किराने की दुकान में अवैध रूप से एक पेटी यानी कि 12 बोतल दारू सील बंद व एक अन्य आधी बोतल भरी हुई अवैध देसी शराब बरामद हुई। इसके बाद पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वहीं एसओ हेमंत सिंह कठैत ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।